A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. तुम भी कहो I love you. ये ग्रेस की तरफ से I love you था and you can see the whole family. बस अम्मा आपने कुछ नहीं बोला. अम्मा जय श्री कृष्णा. राधे राधे. सो यू ऑल कैन कमेंट राधे राधे अगर आपको दादी को हाय बोलना है तो. एंड हमारी ग्रेस को हाय बोलना है. ग्रेस हाय. सो अभी हमने अपना यहाँ पे ट्रैवलर रुकवाया हुआ है एंड बिकॉज वी वॉन्ट टू मेक यू सी समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. अभी मैं आपको क्या दिखाने वाला हूँ. इट्स अ सरप्राइज फॉर यू. वे वी आर आई होप यू कैन गेस क्योंकि आपने पहले की वीडियोज देख ली होंगी. सो वी आर इन लद्दाख राइट नाउ. I'll make you see that place right now. Should we come? All right. मैं आपको दिखाता हूँ. So come everybody, come along. Should we wait? आजा. Wait. आइए. All right. So in just a second, camera rotate होगा और आपको दिखेगा एक शानदार view. Hey, you can see that. So now everybody, you can see this beautiful, beautiful view over here. आप सामने से देख सकते हैं there is a river. उस river का नाम है Zanskar River, जो कि हमारे लद्दाख से आ रही है. लद्दाख में पूरी Zanskar Range जो है हमारे mountains की, वहाँ से वो river आ रही है. And left hand side में you see there is a river, this is called Indus River. और ये हमारी तिब्बत से आ रही है. अब यहाँ पे बीच में देखिए संगम हो रहा है दोनों rivers का, तो ये confluence है. और यहाँ से जो नदी निकल रही है ये पाकिस्तान जा रही है. वहाँ पे आपको देख रहा है रिवर राफ्टिंग हो रही है, राफ्टिंग कर रहे हैं लोग. वो जो राफ्टिंग हो रही है ये दिस इज़ द हाईएस्ट राफ्टिंग पॉइंट इन द वर्ल्ड. पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा राफ्टिंग पॉइंट है ये. ब्यूटीफुल प्लेस. अगर आप सामने माउंटेन रेंज को देखेंगे वहाँ पर बर्फ़ है एंड देर आर मल्टीपल माउंटेन जिनकी पीक पर आपको इस वक्त बर्फ़ दिखेगी. कल इनफैक्ट यहाँ पर पीक पे स्नोफॉल भी हुआ है. आज थोड़ी सी सनलाइट ज़्यादा है. इट्स टू सनी टुडे. And there are a lot of people because this is a beautiful place. A lot of people stop here to get the pictures and all. हम सामने ले से आ रहे हैं. Just imagine कीजिए इन रोड से आते हुए. ये जो रोड देख रहे हैं आप, हम exactly इसी रोड से भी आए हैं. हमने वो ब्रिज क्रॉस किया वहाँ से हम आए. यहाँ से आप देख सकते हैं दैट इज द सेम रोड जहाँ से अभी हम आए हैं. ब्यूटिफुल प्लेस इन लद्दाख एंड आई होप आप सब भी उतना इन्जॉय कर रहे होंगे जितना हम कर रहे हैं. सो आई विल मेक यू सी मल्टीपल अदर स्पॉट्स एज वेल. तो अभी हम एक स्पॉट यहाँ पे कवर कर रहे हैं विच इज़ वेरी क्लोज टू ले. ले सिटी के बहुत पास है जगह. सो यू कैन ऑल सर्च संगम. अब इससे पहले मैं आया हुआ हूँ. शुड बी यू आर हियर फॉर द फर्स्ट टाइम. आई एम हियर फॉर द फर्स्ट टाइम. वेरी वेरी ब्यूटिफुल प्लेस. हैव नो वर्ड्स. लाइक आई एम टोटली स्पेल बाउंड टू सी दिस. जब हम इससे पहले आए थे आई वॉज हेयर इन नवंबर. एक्चुअली सितंबर में क्या होता है, इट्स रेनी सीजन, तो मिट्टी आ जाती है नदी के अंदर. अदरवाइज अगर आप नवंबर दिसंबर में इस जगह पर आते हैं तो आपको जो कलर दिखेगा ना पानी का, एक ब्लू कलर की नदी दिखेगी आपको, एक ग्रीनिश कलर की दिखेगी. और वो जो वहाँ पर दोनों कलर्स मर्ज हो रहे होंगे ना, आपको इतना खूबसूरत लगता है. ब्यूटिफुल एक्चुअली. अभी जब आप नीचे जाएंगे थोड़ा सा यहाँ से लग रहा होगा कि पानी का बहाव तेज़ नहीं है, बट अभी है बहाव तेज़ है पानी का. जब हम नीचे गए तो नीचे वहाँ पे पत्थर है, उन पे आप बैठ सकते हो, वहाँ पे आप फोटोग्राफ्स बहुत अच्छी ले सकते हो. आप मेरी पहले की फोटोग्राफ्स देख सकते हैं, वहाँ की बहुत खूबसूरत फोटोग्राफ्स आई थी. एंड आज थोड़े बादल कम है, कल बहुत अच्छे थे. जैसे मैंने बोला कि कल यहाँ पे बारिश हुई है. अच्छा, यहाँ पे तिब्बतन स्टाइल में आप देख सकते हैं, ये आपको पूरे लद्दाख में दिखेंगे एवरीवेयर. एंड जैसे हवा चलती है दे लुक ब्यूटिफुल एक्चुअली. अच्छा, आप में से कितने लोगों को पता है कि ये क्यों लगाए जाते हैं? अगर आपको पता है आप नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और भी लोगों को जानने को मिलेगा. मैं इसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा. अभी मैं चाहता हूँ यू गाइस कमेंट. फाइनली यू कैन लाइक दिस वीडियो. अभी हम और स्पॉट्स पे जा रहे हैं एंड आप उन्हें मिस ना करें. यू सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकन. यू गाइस शेयर दिस वीडियो जिससे हमारा इंडिया कितना इनक्रेडिबल है. अ लॉट ऑफ पीपल विल गेट टू नो. एंड कल हम बुलेट राइड भी करेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे. सी यू गाइस टिल द टाइम. You can share this video and bye-bye.